पास बहुत ही ऐसे अमेजिंग स्लाइडर्स जो कि समन में तो आपका साथ देंगे, साथ ही अच्छे ब्रांड अच्छे प्राइस से आते हैं। और पहला स्लाइडर आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है सोल थ्रेड। और प्राइसिंग की बात करें ना तो यहाँ लिखा हुआ है 11199। एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कितने में मिलेगा, फटाफट निकालते हैं। बहुत कम ही ऐसे स्लाइडर्स है ना भाई जो की बक्से में आते हैं, इसलिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दबने से ना ये क्या होता है, ऊपर के जो रबर का शेप है ना वो खराब हो जाता है। इस वाले स्लाइडर का कलर है भाई पूरा ग्रे, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड कलर है, जिसके ऊपर सैंडल जैसे ना बकल्स डिजाइन है। अच्छी बात क्या है ना कि ये सारे बकल्स फंक्शनल है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा और लूज होता, तो एक्चुअल ये चीज आप यहाँ पर कर सकते हो। बगल के ऊपर मैं आपको सोल थ्रेड की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि प्रिंटेड है। वैसे अगर इसके रबर की बात करें जो कि इकलौता इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे स्लाइडर का, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, लिटरली बता रहा हूँ। ऊपर में आपको हल्की ग्रिप देखने को मिल जाएगी, नीचे ट्रैक्शन के लिए हल्के हल्के ग्रिप बनाए गए हैं। ओवरऑल अगर डिजाइनिंग की बात करें ना तो इसे एकदम सिंपली वर्ड में ना बहुत मैच्योर डिजाइनिंग कह सकते हो, हल्का सा सैंडिंग वाला लुक, स्लाइडर जैसा फंक्शन करता है। एंड प्राइस सुन लोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा, लिटरली भाई 500 रुपए के आसपास में है। पैर पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ क्योंकि बहुत देखने भाई। और नेक्स्ट आ गया ब्रांड हमारा सबसे चहिता ब्रांड, दिल में धक्का देने वाला ब्रांड, कि जब भी आप चप्पल खरीदो ना दिमाग में तो आता भाई कहां से एक बार क्रॉक्स का क्लॉक्स ले लेते, क्रॉक्स का चप्पल ले लेते, लेकिन जो प्राइस दिखता ना भाई मुंह पे चप्पल मारती, मम्मी की पकड़ा गया क्या, इतना महंगा लेगा क्रॉक्स का। इस तरह से पैकेजिंग आ जाता है, फटाफट से निकालते हैं। ये मेरे को ना टंगनी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, सच बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे भाई इसका, हमें कौन सा टांगना है, हमें पैर में टांगना है इसे। क्रॉक्स आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई भाई 2495 रुपए फॉर अ चप्पल। भाई साहब पूरा नेवी ब्लू कलर का स्लाइडर है फ्रेंड, आपको दो स्ट्रैप्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कोई बकल नहीं मिलता, लेकिन ये सारे जो होल्स देख रहे हो ना ये वेंटिलेशन का होल तो है ही, साथ ही यहाँ पर आपको ऐसा क्रॉक्स जैसा यहाँ पर लगा हुआ ना वैसे ही सेम क्रॉक्स के चार्म्स को आप यहाँ पर लगाकर अपने स्लाइडर को डिजाइन कर सकते हो। अंदर की तरफ आपको हनीकॉम जैसा ना टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, जिसे पैर में अच्छी ग्रिप बनेगी। नीचे की तरफ आपको ग्रिप मिलता है, आइकॉनिक क्रॉक्स कंफर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। वैसे अगर इसके कंफर्ट को देखोगे ना, एक अच्छा स्टेबल कंफर्ट आपको इसमें फील होगा। नीचे की तरफ आपको ग्रिप मिल जाएगा, क्रॉक्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली एक अगेन बहुत ज्यादा सिंपल, खूबसूरत और मैच्योर डिजाइनिंग है। देखो कई बार ऐसा होता है ना, लड़के ऊपर में किंग क्वीन बैड बॉय ये सब लिखा हुआ पहन लेते हैं, जो कि उतना ना स्टाइल के मामले में अच्छा नहीं लगता। चप्पल से या स्लाइडर जितना सॉलिड कलर्स में पहनोगे ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा आपके पैरों में, और वो सारे रिक्वायरमेंट्स ये क्रॉक्स का स्लाइडर फुलफिल कर रहा है। लेकिन भाई वही प्राइसिंग 1500 रुपए। अगर आपको देखो प्रीमियम चीज पहनना पसंद है, प्रीमियम ब्रांड का स्टाम्प चाहते हो, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, लेकिन प्राइस की इशू है। हाँ यहाँ पर बैठा हुआ आपका दिल नहीं टूटेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो आप, लो आ गया सस्ता क्रॉक्स, फटाफट इसे निकालते हैं। ब्रांड का नाम है फोरका, किसका फोरका, थ्री का नहीं फोरका। लो इसमें भी मिल गई टंगनी, एक्चुअली इसका यूज किया जा सकता है भाई, अगर आपके पास कैप वैप है इसको जाकर छत में ऐसे टांगो और इधर दो कैप आराम से लटक जाएंगे। यू कैन कॉल मी अ जीनियस, बस पत्थर मत मारना। ऑलराइट जस्ट लुक एट दिस, फोका के आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहां पे लिखी हुई 699। भाई हद सेम किया हुआ है, ऊपर में आपको सेम दो फ्लैप्स मिल जाएंगे, मल्टीपल होल्स मिल जाएंगे, सेम यहां पर जैसे उसमें क्रॉक्स की बैचिंग थी यहां पर ओरिजिनल की बैचिंग मिलेगी, और पॉजिटिव वाइब लिखा हुआ है। थोड़ी सी इसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई, टुक से निकल जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर इसके चप्पल को देखोगे ना पूरा ब्लैक कलर का, नीचे सेम टेक्सचर बना हुआ है जैसे क्रॉक्स वाले में था। फोका की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी भाई, खतरनाक भाई, सेम पूरा एकदम छाप दिया है, लिखा हुआ मेड इन चाइना, यहां से बनवा रहे हो ना पूरा दुनिया को डबल कर सकते हो। मतलब सीधी बात है, ज्यादा खींचूंगा नहीं, बिल्कुल ही सेम एग्जैक्ट दिखता है। थोड़ी सी डिफरेंस बस मुझे क्या लगी ना, कि क्रॉक्स वाली की जो फिटिंग है ना वो थोड़ी सी बेटर थी, मतलब माइनर थी लेकिन थोड़ी सी वो बेटर थी। ये ना थोड़ा सा ब्रॉड और फैला हुआ जैसा दिखता है, लेकिन पहनने में ना भाई एक नजर में, एक फीलिंग में, क्या 10 फीलिंग में भी आप पकड़ नहीं पाओगे कि हाँ कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस है। महज 700 रुपए। और ये जो फोका है ना, ये लाइफस्टाइल का ब्रांड है, आप सब जानते हो लाइफस्टाइल के बारे में, तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लग रहा है डेफिनेटली जा सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांड देख रहा वो देख रहा भाई जैक एंड जॉन्स, अपने रणवीर भैया का ब्रांड नहीं है, एम्बेसडर है बस, लेकिन भाई प्राइसिंग है भाई 1699, आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। इस स्लाइडर को देखोगे बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है। देखो एक चीज है, सब सेम दिखता है, ये चीज मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, लेकिन जो महंगे स्लाइडर्स है, जो सस्ते स्लाइडर है ना, उसमें मटेरियल एंड फिनिशिंग का ना भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पूरा ग्रीन कलर का स्लाइडर है, ऊपर एक में आपको जैक एंड और एक में जोन्स देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी रबर की बहुत ज्यादा अच्छी है, इतना भी देखो लचपच नहीं होना चाहिए ना, कि चल रहे हो तो घुस रहा है, होटल का तकिया दिखाई नहीं कि सर रखा कि नहीं, आधा तकिया का रुई इधर आधा तकिया का रुई उधर, आप घुस गए पाताल में, वो चीज इसमें नहीं होगा। अंदर में आपको ग्रिप के लिए बहुत सारे होल्स ग्रूव्स मिल जाएंगे, जैक एंड जॉन्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ओवरऑल जो इसका लुक है ना, थोड़ा सा ना एडिडास के इजी स्लाइडर जैसा ना राउंड राउंड रखा गया है, मतलब इधर भी देखो आपको राउंडनेस देखने को मिलेगा चारों तरफ ऐसा करके, अच्छा लगता है। नीचे की तरफ आपको ग्रिप देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल पैरों में पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो,
डेफिनेटली देखो प्राइसिंग थोड़ी सी हाई होने वाली है, 1300 रुपए के आसपास का ये स्लाइडर है, लेकिन जैक एंड जॉन्स है, प्रीमियम चीज है, एंड अगर आपको पसंद है लुक तो आप जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइडर आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है कैंपस, दिल से खुला हुआ ब्रांड है भाई, इन ब्रांड की ना कोई गलती नहीं होती इन डब्बों के पीछे, हम एक्चुअली इतने बुरी तरीके से इनके डब्बे को ट्रीट करते हैं ना जिससे इनकी हालत ये हो जाती है, तो आपके ऊपर है भाई, देखो जब भी डब्बा आता है ना थोड़ा केयरफुल ही रखा करो, और कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी में भी ना यहाँ फेंक रहे वहाँ फेंक रहे, हमें भी भाई बुरा लगता है चीजें फटती है, तो ऐसे कैंपस का ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ ग्रो क्रेजी और प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 799, बीच में मेरा एम्बुलेंस चालू हो गया था थोड़ा सा। कैंपस के स्लाइडर को देखे ना डेफिनेटली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस फील होगा, इसलिए आपको दो कलर देखने को मिलेगा नेवी ब्लू एंड व्हाइट, ऊपर का जो फ्लैप है ना वहाँ पर सारी डिजाइनिंग होती है सारे स्लाइडर में, यहाँ पर साइड साइड में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग देखने को मिलेगी जो कि ना इम्बोज्ड है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसमें फील हो रहा है, ऊपर में आपको कैंपस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और सारी जो प्रिंटिंग है या कटिंग है ना सब कुछ अच्छी क्वालिटी के, फुटबेड की बात करें ना बहुत अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट फोम इसमें भी आपको फील होगा क्योंकि इसमें कैंपस का यूज हुआ है गो क्रेजी योगा मैक्स जो भी नाम लिख लो, बॉटम सोल में अच्छा ग्रिप आपको मिल जाएगा, कैंपस की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली अगर आपको कैंपस जैसा ब्रांड पसंद है, उनके प्रोडक्ट्स पसंद है, और ये अगर स्लाइडर की डिजाइनिंग पसंद है ना तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। और प्राइसिंग की बात करें महज 485 रुपए में, भाई 500 रुपए के अंदर का प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी यू विल बी इम्प्रेस्ड वंस यू रिसीव्ड एंड वेयर। देखो सारे अच्छे एक्सपीरियंस के बाद है ना आपको एक बैड एक्सपीरियंस करवाते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, फटाफट निकालते हैं प्राइसिंग आप लिखे 1299 रुपए, और देखो जब अच्छे से अंदर में शेप मेंटेन करने वाला पेपर नहीं होता है ना तो शेप की क्या हाल होती है, शेप शेम में तब्दील हो जाता है। अगर इस स्लाइडर को देखोगे ना ऊपर में आपको फ्लैग मिल जाएगा जो कि पूरा टेक्सटाइल फैब्रिक का बना हुआ है, एक्चुअल जो इसका रबर और आउटर सोल है ना भाई बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला मुझे, इसमें भाई पूरा ढलाई टाइप का, अब पता नहीं ये वर्ड आप समझते होगे नहीं, लेकिन पूरा ढलाई टाइप का ना मोटा टायर का रबड़ जैसा है इसका पूरा सोल है, नीचे खर खुर खर पूरा चमड़ा छिलेगा ऐसा करके इसका मटेरियल है, थोड़ा सा खराब बोलोगे नहीं किसी प्रोडक्ट को, पे करके बच्चा रोते हुए पार होना ही होना है, इस प्रोडक्ट के लिए मत जाना। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रांड जो आ गया हमारे पास में वो है भाई पूमा, अगर आपको देखो कुछ प्रीमियम एक्सपीरियंस करना है ना तो पूमा नाइकी एडिडास जैसे ब्रांड पे जा सकते हो, एमआरपी इसके 3299 रुपए, लेकिन ट्रस्ट में आपको एक अच्छी चीज फील होगी, वापस से टंगनी, लेकिन थैंक गॉड ये कागज का है भाई, सच में इसकी क्वालिटी ना भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है, आपको टैग मिल जाएगा भाई, इसके स्टाइल नेम है शिबुई कैट, भाई अलग ही एक्सपीरियंस अलग ही चीज दिख रहा भाई, पूरा मैट रबर यूज हुआ है, बड़ा ही चौड़ा इसका फुटबेड है, पूमा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि इंग्रेव करके लिखी हुई है, नीचे में आपको zigzag डायमंड कट्स ऐसे करके देखने को मिल जाएंगे, और पूमा की यहाँ पर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ओवरऑल ना डिजाइनिंग बहुत ज्यादा एलिगेंट सिंपल एंड मैच्योर है, साइड में आप ये जो कट आउट देख रहे हो ना सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन के लिए, ताकि आपके पैरों में ना वो किच सागर ना बहे, एकदम मस्त सूखा सूखा रहे मार्केट में घूमते हुए मेरे होंठों की तरह, साइड में आपको पूमा की बिल्ली उछलते हुए दिख जाएगी, मेरे को पता है पूमा ऑलरेडी एक जानवर का नाम है, जोक छोड़ दूं, एक्चुअल अगर इसके रबर की क्वालिटी एक्सपीरियंस करोगे ना भाई नेक्स्ट लेवल कंफर्ट आपको फील होगा, ओवरऑल एक बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, और इस प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए ना आपको थोड़ी सी प्रीमियम प्राइस भी पे करनी पड़ेगी जो कि है 2500 रुपए के आसपास, कभी 2400 होता है कभी क्या होता है, लेकिन हां अगर आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए इजी इजी पे खर्च नहीं करना चाहते ना डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये जो ब्रांड देख रहे हैं वो देख रहे हैं हमल, तो हल नहीं हमल, फटाफट निकालते हैं ब्रांड, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वापस एक और टंगनी भाई, एक दो और अगर स्लाइडर के हॉल कर दिए ना तो अपना एक टंगनी का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, वैसे अगर स्लाइडर पे जाए तो हमल के आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई 1199, एक बहुत ज्यादा अच्छा वेल ग्रोइंग ब्रांड मैं आपको बता दूं ये है, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन जो भी जेन्युइन चीजें है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पूरे स्लाइडर में आपको अलग अलग टेक्सचर देखने को मिलेंगे, चाहे ऊपर की बात करें साइड की बात करें हर तरफ आपको अलग अलग डायरेक्शंस में ना लाइन देखने को मिलेगी जो कि खूबसूरत लग रही है एंड यूनिक डिजाइन के साथ आती है, ग्रिप के लिए ऊपर में आपको हल्के-हल्के टेक्सचर मिल जाएंगे, हमल के आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे की तरफ आपको बहुत अच्छे ग्रिप्स भी मिलते हैं ग्रूव्स भी मिलते हैं, ग्रिप्स मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, ग्रूव्स मिलते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि बीच में आपका कंकड़ फंस जाए या कहीं अगर आप गंदी जगहों में पैर देते हो तो वो गंदी चीज अंदर रह जाए, ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान देने वाली है, आई एम सो सॉरी मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपके साथ शेयर होनी चाहिए। स्लाइडर के मेन कंपोनेंट की बात करें ना जो कि इसका रबर, तो रबर में आपको जीरो निराशा होने वाली है क्योंकि इसके रबर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, और एक अच्छी चीज मुझे क्या लग रही है कि इसमें ना हल्का सा ना डीपनेस एडेड है, कई बार ऐसा होता है कि स्लाइडर में चलते चलते पैर इधर उधर थपड़ थपड़ निकलता है, वैसा इसमें आपको नहीं होगा, पैर अगर घुस जाएगा ना तो यहाँ पर एक फिक्स ले लेगा जगह, पहन के हमने देखा फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, डिजाइन यूनिक है, मेरे भाई का ऐसा कहना था कि थोड़ा सा ये ना गर्लिश टाइप का लग रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अवॉइड करो, लेकिन मेरे हिसाब
आपसे एक नया डिजाइन है, नई लुक है, और इस हमल के स्लाइडर के लिए महज आपको 600 रुपए के अंदर पे करना। एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं कोट कर रहा क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में, ब्रांड का नाम है सवार। फटाफट निकालते प्रोडक्ट को, और अगर देखे ना भाई यहाँ पर साइड में बोरिंग गाड़ी लगने वाला आवाज करेगा, उससे पहले हम अपना सूट खत्म करते हैं। सवार की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, प्राइसिंग यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शेप मेंटेन रखने वाला कागज आपको मिल जाता है, जो इसने पूरा दम तोड़ दिया, पचक गया पूरा। सवार के स्लाइडर्स हमने पहले भी एक्सपीरियंस कर रखे हैं, क्वालिटी अच्छी होती है हमेशा से, इसलिए मैं यहाँ पर इस बार भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फ्लैप की जो साइज है ना अच्छी खासी चौड़ी है, हल्के से कटआउट्स के थ्रू यहाँ पर डिजाइनिंग क्रिएट की गई है। साइड साइड में वेंटिलेशन के लिए होल्स मिल जाएंगे, बीच में आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल जाता है, सवार की ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि ना मुझे सही जगह पे नहीं लगी, ऐसा ना सेंटर टाइप का नहीं फील हो रहा है, इसमें थोड़ा काम कर सकती है ब्रांड। नीचे में आपको ग्रिप के लिए अच्छे से ग्रूव्स मिल जाएंगे, साइड में अगर देखोगे ना तो एकदम स्नीकर की तरह बहुत सारी डिजाइनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि ओवरऑल इसके लुक को ही इनहांस करती है। मेन बात अगर इसके रबर की क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली आपको एक प्रीमियम स्लाइडर का एक्सपीरियंस होने वाला है, और इस अच्छे स्टेबल के लिए आपको एक स्टेबल प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि है 529 रुपए। अब थोड़ा 50 हो जाए या 600 के अंदर है ये समझ लो। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्लाइडर आ गया हमारे पास में फोरका की तरफ से, फोरका बाई लाइफस्टाइल, याद रखना फोरका का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी हुई है 899। फटाफट निकालते अंदर के फोम को, पूरा ब्लैक कलर का स्लाइडर है। ब्लैक कलर ना भाई बेस्ट कलर होता है चप्पलों के मामले में, क्योंकि गंदा करो कुछ करो एक बार धो वॉश करो एकदम वही लुक चकचका के वापस आता है। ऊपर में आपको फ्लैप मिल जाएगा, नीचे पूरा आउटर सोल है इसका। रबर की क्वालिटी की बात करें अच्छी है, बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट फील नहीं होगा, लेकिन हाँ एक वेल बिल्ड आउटर सोल इसे बोल सकते हो। फुट बेल्ट इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ऊपर में ना कहीं आपको ग्रिप नहीं मिलती, ये थोड़ा सा लैक मुझे लगा। हल्का सा आर्च सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट में भी थोड़ा सपोर्ट के लिए काम किया गया है। ऊपर में आपको फोका की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे ग्रिप के लिए बहुत सारे ग्रूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर ऊपर के फ्लैप की बात करें ना, ऐसा लगता है ना कोई जियोग्राफिकल ना मैप में देख रहा हूँ, पूरी इम्बोज्ड डिजाइनिंग यानी 3D टाइप का पूरा फील होता है। कई बार ऐसा होगा कोई यहाँ पर ब्रांडिंग कर देंगे, कोई फोटो बना देंगे, लेकिन ये ना बहुत मिनिमल डिजाइनिंग है। ओवरऑल प्रोडक्ट्स को पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, और जिस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हो ना चल जाना, जो मैंने खराब बोला उसको अवॉइड कर देना। बाकी अगर ये वीडियो चलेगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि एडिडास के स्लाइडर्स के हॉल चाहते हो कि नहीं, क्यों आखिर इतनी हाइप बढ़ी हुई है भाई, हम आपको बताएंगे वो सारे चीजें। बस उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और टेलीग्राम में फॉलो कर लो। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।